मंगल को लाल किताब में संज्ञा दी गई है, मंगल बद और मंगल नहीं। इसको हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे या आज ही पढ़ा दूंगा, थोड़ा लंबा जरूर होगा। मंगल बद और मंगल नेक। अब आप एक चीज देखना, जो बद और नेक की स्थिति है ना, वो लाल किताब में लगभग लगभग हर ग्रह को मिली हुई है। वो आगे हम पढ़ेंगे। लाल किताब ये बोलती, कोई भी ग्रह, कोई भी प्लेनेट कहीं भी बैठ के अच्छे रिजल्ट भी दे सकता है, बुरे रिजल्ट भी दे सकता है। ठीक है, ये प्लेनेट की खास बात होती है। अब मंगल मैंने बताया, लाल चीजें होती हैं, मसूर की दाल वगैरह, ये सब मंगल होता है। और हमारी बॉडी, जो हमारी बॉडी में वो होता है, मंगल होता है, दैट इज। ठीक है, अब हमारा जो भाई होता है वो मंगल होता है। भाई से रिलेशन खराब है, हमारा छोटा भाई ही नहीं है। ठीक है, अब मेरा छोटा भाई नहीं है, बट मुझे छोटे भाई का सुख जो हमेशा मिलता रहा, कहीं ना कहीं से, या तो कोई बाहर का दोस्त आके छोटा भाई बन जाता है या कोई और बन जाता है, उस छोटे भाई का सुख जरूर मिल जाता है। सुरेंद्र मेन होता है सुख मिलना, छोटा भाई है पर छोटे भाई से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है, बात ही नहीं बनती ना, वो हमारी बात सुनता ना हम उसकी सुनते। ठीक है, कैमरे ऑन रखो भी प्लीज, एक तो ना सबसे बार बार मत बुलवाओ प्लीज, मैं डिस्टर्ब होता हूँ और डिस्टर्ब होंगे चार चीजें छूट जाएंगी, मुझे रिदम में चलने दो एक मैं। कैमरे ऑन रखो प्लीज। ठीक है, भाई से नहीं बन रही, भाई का सुख नहीं है, भाई से सपोर्ट नहीं है। कई बार देखा होगा दोनों भाई भाई होते हैं सगे, उन भाइयों के बीच में अच्छे खासे लठ बज रहे होते हैं, वो भी मंगल खराब की निशानी होता है, मंगल खराब को दर्शा रहा होता है। दोस्त दोस्त है ही नहीं, ये दोस्तों से सुख नहीं मिल रहा है, ये दोस्तों से परेशानी ज्यादा है। ठीक है सुरेंद्र जी, कई बार होता है ना शादी में, आपने देखा होगा आजकल शहरों में शादी होती है ऐसी, चार आदमी होते हैं, ना बारात ना गाजा ना बाजा, है ना। और कोई कोई आदमी ऐसा होता है उसकी शादी में दोस्तों की वो बहुत लंबी बारात होती है, बहुत लंबी बारात, दैट इज मंगल। मंगल बढ़िया है, ठीक है ना, दोस्त इतने आए होंगे, मंगल बढ़िया है। रिश्तेदार आपके घर में होता है ना, बोले जी हमारे रिलेटिव्स तो आते ही नहीं, रिश्ता बोले मेरे घर में मेहमान कम आते हैं जी, मेहमान आते ही नहीं है, वो क्या है, वो मंगल खराब की निशानी है। मंगल खराब है इसका मतलब आपका, ऐसा मंगल है तो प्रॉब्लम है। ठीक है, लाल रंग फौजी, बेसिकली मंगल को संज्ञा दी गई है। अब बताता हूँ मंगल कौन कौन होता है। मंगल बेसिकली आपका होता है फौज, आर्मी। जैसे मंगल हमने सेनापति दिया था ना, तो आज के टाइम में कौन होगा, कोई कहते हैं जी पॉलिटिशियंस जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, डिफेंस मिनिस्टर को मैं पकड़ता नहीं हूँ ना राजेश बहल जी, डिफेंस मिनिस्टर तो वो होते हैं जो घोटाले घोटाले कर जाते हैं ना, तो इनको हम संज्ञा देते नहीं है पवित्र ग्रहों की। पवित्र ग्रह की संज्ञा किसको देंगे हम, हमारी आर्म फोर्सेस को, आर्मी पुलिस सिक्योरिटी गार्ड। ठीक है, आर्मी पुलिस सिक्योरिटी गार्ड, चोर डाकू टेररिस्ट, सोच के देखना थोड़ा सा। मंगल बहुत बढ़िया है, आर्मी ऑफिसर है, बहुत अच्छी पोस्ट पे है। मंगल थोड़ा सा डाउन है अच्छा, बट उतना अच्छा नहीं है, छोटा ऑफिसर है, नॉर्मल है, कॉन्स्टेबल है या आर्मी का जवान है, और थोड़ा सा ठीक है, बिल्कुल न्यूट्रल सा नॉर्मल सा आ गया, चौकीदार है, गार्ड है। देव मंगल उनका ठीक ही है ना, रात को ड्यूटी करनी बाहर भागना कौन सा आसान काम है, जब गार्ड का भी आसान काम नहीं है बेचारा जो गली में चक्कर काटता है, चौकीदार उसको भी डर तो लगता ही है ना। अटल गलत बोल रहा हूँ बेटा, हाँ नहीं नहीं सर, नहीं, नहीं सर, काम कुछ भी आसान नहीं होता है। काम कुछ भी आसान नहीं होता है। अब इस बारे में मैं बात करता हूँ राकेश जी से। राकेश जी अनम्यूट करो। राकेश जी एक छोटा बच्चा है, 7 7 साल का, बिस्किट खा रहा है, क्या आप उसके बिस्किट छीन के खा लोगे? क्यों, नहीं बिल्कुल नहीं, बच्चे की मम्मी मारेगी, क्यों नहीं खाओगे? नहीं मम्मी नहीं मारेगी। आई मीन बच्चा है वो, बच्चे का हम बड़े छीन के कैसे खा सकते हैं। राकेश यादव जी का नहीं चाहिए, बच्चे से बिस्किट नहीं छीन सकते। एक बार ऐसा टाइम हुआ था जब पाकिस्तान में आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर घुस के टेररिस्ट ने धड़ाधड़ धड़ाधड़ 250 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया था। करेक्ट बहुत बड़ा इंसिडेंट, म्यूट कर लो सारे प्लीज,
ये बहुत बड़ा इंसिडेंस हुआ था, ये बीच में जो मेरी आदत है अनम्यूट करवा के बुलवाने की फिर म्यूट करवाने की, ठीक है, हुआ था ना, दैट वाज द मंगल पद, मंगल खराब पोजीशन पर, नहीं छीन सकते, उन्होंने धड़ाधड़ धड़ाधड़ करके 250 बंदों को मार दिया, बच्चों को मार दिया, दैट वाज द मंगल पद। बेकार मंगल ही इतनी करेज दे देता है आपको कि आप गोली चलाते हुए नहीं डरोगे। लोग कहते हैं जी सर्जन का भी मंगल बेकार होता है, भाई नहीं, There's a difference between surgeon and a terrorist. There's a difference between a surgeon and वो कहते हैं जिसको murderer. बहुत difference है, अच्छा खासा difference है। ये मंगल आपकी कुंडली में मांगलिक कार्यों को दर्शाता है, ये मंगल आपके व्यवहार को दर्शाता है। और एक बात बताऊं, ये मंगल खराब हो जाए तो सारी बीमारियों की जड़ भी यही है सुरेंद्र जी, दो चीजों से शुरू होती है, जिसको हमारे देशी भाषा में बोलते हैं, इसके शुगर होगी, डायबिटीज एंड ब्लड प्रेशर, बीपी, हाई ब्लड प्रेशर, तो दोनों मंगल से शुरू होती है राजेश जी। मंगल खराब तो परेशान करना शुरू कर देंगे, कंट्रोल में रहेंगे नहीं चीजें, ठीक है। खून, आपका ब्लड मंगल है, पुलिस मंगल है, ठीक है, ब्लड रिलेटेड कोई भी डिजीज है तो इट मींस मंगल खराब है। अनार, पुलिस, मूंगा, जिगर, ललित प्रकाश जी वो वाला जिगर नहीं है, बीड़ी जला ले जिगर से पिया, जिगर माँ बड़ी आ गया, जिगर मींस इट्स करेज। पंडित जी ने ऐसे शब्द लिख रखे हैं, कहीं कहीं आएंगे बीच बीच में, कुछ कुछ लिखा उन्होंने, कहीं लिख के लुगा पट्टा, कहीं लिख के ऐसी चीजें, ठीक है, कुछ भी लिख गए, रिकॉर्ड करो उसको। जिगर मीन्स करेज, माप में कितनी है, दैट इज मंगल। किचन, आपके घर की रसोई, इसलिए बोलते हैं कि जिसके घर की किचन साउथ ईस्ट में आ जाए तो बहुत सारे वास्तु दोष घर के दूर कर देती है। किचन मीन्स चूल्हा, जहां पे भट्टी जलती है, बहुत बढ़िया इलाज होता है मंगल खराब का, बहुत बढ़िया उपाय होता है कि आप वहां बैठ के खाना खाओ जहां से आपको उस जलते हुए चूल्हे की लपटें दिखाई दे रही हैं सुरेंद्र जी। और पहले तो ऐसे ही होता था ना सुरेंद्र जी, सारी चीजें पहले इसलिए तो बढ़िया होती थी, लोगों को एस्ट्रोलॉजर्स के पास कम इसलिए तो जाना पड़ता था। मुझे याद है हम छोटे थे, मेरी माँ रोटी बना रही होती थी, वहीं चूल्हे के साथ बैठ के हम खाना खाते थे, है ना, सर्दियों में और चूल्हे के बिल्कुल पास बैठते थे, गर्मी में थोड़ा दूर बैठते थे, ठीक है। आज की डेट में तो बन खा रही है रोटियां और खा खा रही है, वो तो बहुत दूर होता हो जाता है, कोई भी नहीं खाता, अच्छा उपाय होता है, ठीक है। महावत, महावत क्या होता है गवनी जी, महावत क्या होता मंगल मंगल, वैसे महावत क्या होता है, जो हाथी के ऊपर बैठता है, जो हाथी को संभालने वाला। हाथी को संभालने वाला, एग्जैक्टली, ठीक है। अब इसी से देखिए, देखना बहुत प्यारी रेमेडीज निकलेगी। मैंने कुछ शॉर्ट्स भेजने शुरू कर दिए हैं आपके बैच के लिए, दो या तीन गए हैं अभी, आज पढ़ूंगा शायद उनके बारे में, तो अच्छे से पढ़ेंगे इसमें, शॉर्ट्स देखते रहना, बट मेरे सारे शॉर्ट्स ना, ठीक है, जो मैं भेजता रहा। महावत, मृगशाला, शहद, लाल मसूर, देसी खांड, नीम का पेड़, प्योर मंगल है नीम का पेड़, ऊपर वाला होठ, होठ दोनों मंगल होते हैं, ऊपर वाला थोड़ा सा अच्छे वाला माना जाता है और नीचे वाला थोड़ा सा बद माना जाता है, ठीक है। कई लोगों के होठ होते हैं ना, कटा हुआ होठ होता है, जैसे किसी व्यक्ति का ड्यू टू वेरियस रीजन, सम एक्सीडेंट्स एंड समटाइम्स इट इज बर्बाद, तो खराब मंगल की निशानी होती है। राजेश जी आप ठीक है, आपकी तबीयत ठीक है, हेडक वगैरह हो रहा है या वैसे ही नॉर्मल, वैसे ही हाथ लगा रखा है, ठीक है, मतलब ज्यादा तबीयत खराब हो जाए तो यू कैन स्विच ऑफ योर कैमरा, नो इश्यूज। सूती कलावा, वैद्य, डॉक्टर, डॉक्टर मैंने बताया बेसिकली स्पेशली सर्जन, सौंफ, मीठी सौंफ जो आती है ना, मीठी सौंफ किस किस को पसंद है, ये कौन कौन खाता है, पसंद भी छोड़ो, पसंद छोड़ दो, कई बार पसंद किया था कि पूछते खाता है जिसके डेली डेली होता है, जैसे ना मेरे इसमें रखी हुई है, ठीक है, मेरे इसमें है, मिट्टी सौंफ खाते रहना चाहिए,
अच्छा होता है और कई प्लैनेट्स को ठीक ठाक करता है। मिट्टी सौंफ खाते रहना चाहिए। मैं आयशा अपने पास रखता हूँ। ठीक है ठीक है जी। हथियार कोई भी हथियार प्योरली प्योरली मंगल है। बिना सींग का हिरण जासूस सेना सेनापति मतलब या सेना भी दोनों। मेडिसिन्स मेडिसिन्स में बेसिकली स्पेशली जो आयुर्वेदिक मेडिसिन आती है एलोपैथिक वाली नहीं। होटल जहाँ पे तंदूर जलता तांबा। कुक को भी मंगल की संज्ञा दी गई वो किचन में काम कर रहा होता है ना। मीठी चीजें पताशे पताशे समझते हो ना सफेद वाले जो आते हैं। ठीक है काम करने की क्षमता आपका स्टेमिना बेसिकली। नाभि टमाटर लाल गाजर थल सेना लिखा हुआ स्पेशली आर्मी। ठीक शायद मंगल ही हो पाएगा पूरा क्योंकि मैं मंगल पद पढ़ाने लग जाऊँ सोच में पढ़ा रहा हूँ आपको। देखिए एक आपको पढ़ाता हूँ कॉन्सेप्ट मंगल पद का वाला। ये तो हमने जितने भी चीजें पढ़ी ना हैंड स्टम कर लो प्लीज। मुझे बार बार लगता है शायद आप कुछ बोलना चाह रहे हो अगर कुछ है नहीं तो। अब ये मंगल पद वाला कॉन्सेप्ट आप समझना बड़ा ही अलग कॉन्सेप्ट है। व्यक्ति को मंगल पद अगर कुछ हो जाए तो मंगल पद इतना भयंकर होता है इतना भयंकर होता है। हरिओम जी शक्ल दिखाओ शक्ल नहीं दिख रही आपकी। इतना भयंकर होता है कि वो जीवन में आपको खुशियां नहीं एंजॉय करने देता। मंगल पद खुशियां नहीं एंजॉय करने देता। बंदा कहता है खुशियां एंजॉय नहीं करता। तो देखो मंगल पद के बहुत सारी चीजें हैं। मंगल उस हाउस में होगा तो मंगल पद हो जाएगा। मंगल उस हाउस में होगा तो उस पद हो जाएगा। केशव जी मंगल बद की 20 रूल है और 20 रूल है मंगल बद कटने के। सच बोलूं 40 मुझे भी याद नहीं ना मैंने याद करने जरूरी समझे। मंगल बद के हमेशा सिम्टम्स पहचानो। जो मंगल बद होगा उसकी शक्ल देख के तुम्हें पता चलना चाहिए कि मंगल बद है बंदा। अशोक जी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जीवन में खुशियां एंजॉय ही नहीं कर पाते। मनीषा डोंगरे जी खुशी है बंदा खुश है। टुडे आई एम वेरी हैप्पी। मैंने अपना केक कट किया बर्थडे का और थोड़ी देर बाद ही कोई खराब न्यूज आ गई। शॉर्ट्स वीडियो भेजूंगा कभी आपको। बंदा केक काट रहा होता है केक काटने के बाद थोड़ा सेलिब्रेशन हो रहा होता है वो फोम वगैरह चलाई और उसके बाल जल गए। मंगल बात बंदा नई गाड़ी लेके आया पूजा करवा रहा पीछे से आ गया किसी ने गाड़ी नहीं ठोक दी। मंगल बात खुशियां एंजॉय नहीं करना जीवन में खुश नहीं रहना। राकेश जी मेरे एक सीनियर हुआ करते थे मेरी मारुति सुजुकी जो मेरी लास्ट कंपनी रही वहां पे वो सीनियर ने सिंपली बोला कि मुझे प्रॉब्लम आ रही है। क्या प्रॉब्लम आ रही है? बंदा 1 महीने की छुट्टी लेके यूएस घूम के आया और यूएस से जब वापस आया तो ही सेड आई एम इन डिप्रेशन। बहुत खुश था अपनी बेटी के पास रुक के आया अपने बेटे के पास रुक के आया वॉज वेरी हैप्पी। इंडिया लैंड हुआ लैंड होते पीछे से आके किसी ने धड़ाक से उसकी गाड़ी ठोक दी। जिस गाड़ी में वो लेने गया था उसका ड्राइवर लेने गया था गाड़ी ठोक दी ब्रेक कर दी। ऐसा नहीं कि उसको गाड़ी का दुख था बट अननेसेसरीली वो डिप्रेशन में आ गया। अननेसेसरी डिप्रेशन में आ गया खुश रह ही नहीं पाता। परेशानी कैसी एग्जाम्पल देता हूँ मैं। जैसे मैं और मेरी मदर घूमने गए कहीं भी। सुरेंद्र जी मेरी मदर को हरिद्वार जाना बड़ा अच्छा लगता है। बाकी घूमने भी कहीं गए तो अक्सर ही इंसिडेंट हमारे साथ होता था। हरिद्वार गए हरिद्वार से आते टाइम शी वॉज वेरी हैप्पी कि मैं हरिद्वार से नहा के आई हूँ बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे रिलैक्स फील कर रही हूँ। रास्ते में उनके पास कोई ना कोई फोन ऐसा आ जाएगा केशव जी रास्ते में घर आते रास्ते से ही उनका मूड स्पॉइल होना स्टार्ट हो जाएगा। बंदे के घर में शादी हो रही है अशोक जी शादी का फंक्शन हो रहा है कलेश होगा ही होगा झगड़ा होगा ही होगा। आप देखना इस क्लास की स्ट्रेंथ आज कम है थोड़ी सी
वो कम है, या वो वीडियो रिकॉर्डिंग्स वाले एक्टिव हो गए होंगे, या बाकी सिचुएशन ऐसी रहती है जैसे जो लोग रिकॉर्डिंग सुनेंगे, देखना आप लोगों में से भी कई सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी यही स्थिति बन रही होगी, ठीक है ना मनीषा जी, यही स्थिति बन रही होगी एग्जैक्टली। खुशियां एंजॉय नहीं कर पा रहे होंगे, घर में कोई भी खुशी का माहौल है, इनका मूड डाउन हो जाएगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी, चोट लग जाएगी, कुछ और हो जाएगा, ये मंगल पद की निशानी है। जीवन जीवन खुशियों को एंजॉय ना कर पाना ड्यू टू एनी रीजन, ड्यू टू एनी रीजन। बंदा कह रहा है कि जी मैंने तो बड़े अच्छे से वो किया, फंक्शन ऑर्गेनाइज किया, सब कुछ हुआ, और चार रिश्तेदारों ने लड़ाई कर दी। सुरेंद्र जी फूफा तो उसको भाजा करते ना, पहला शादी में होते हैं ना फूफा नाराज हो जाते थे, वो यही होते थे, ठीक है ना, खुद एंजॉय करना है ना दूसरे को करने देना है, ना खुद के चेहरे पे स्माइल आनी है ना दूसरे के पे आने देनी है, इट इज वेरी डेंजरस। ये तो मैंने बड़े एग्जांपल बता दिए, ये लोग वो लोग होते हैं जो जीवन देखेंगे, हमारा जीवन बहुत सा निकल गया, हम बहुत सारे टाइम कभी खुश रहे ही नहीं, खुश रहे ही नहीं, जब भी खुश होने की कोशिश करते हैं प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है, कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है कि दुखी कर देता है। अब एक इंसिडेंट बताऊंगा, उसमें रेमेडी भी छिपी हुई है। हम लोग वाराणसी में थे, मैं, मेरी मदर, मेरी वाइफ, मेरे फादर, हम लोग वाराणसी से निकल रहे हैं, निकलना था नेक्स्ट डे, मेरी मदर बहुत खुश थी, दर्शन हो गए सुरेंद्र जी काशी विश्वनाथ, ठीक है सुरेंद्र जी, अब मेरी माँ को लग, गंगा जी में भी नहा दी, सारे काम हो गए वहां तक, ठीक है भावना, मेरी माँ को ये लग रहा कि भैया बहुत खुश, बहुत खुशहाल है, मजा आ गया। तो मैंने अपनी वाइफ से कहा, मैंने कहा देखिए एक घटना घटेगी, या तो माँ हमारे साथ झगड़ा कर लेगी बिना बात पे, या पापा के साथ कर लेगी, ठीक है, मैंने कहा या इसके पास कोई फोन आ जाएगा, ठीक है, इसका सबसे बढ़िया इलाज होता है पैरों में पायल वगैरह भी पहन लो तो, बट आजकल फीमेल्स को पता नहीं क्या है, किसी की भी आ जाए तो बड़े निकालना, बड़ा पहनाना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है, बिना घुंघरू वाली पहन लो, अगर पहनेंगे जो बजने वाली ना हो वो पहन लो, पैरों में चांदी होनी चाहिए, कड़ी वगैरह है वो होनी चाहिए। सुरेंद्र जी मैंने अपनी वाइफ के पास, माँ के पास जाके कहा, मैंने कहा माँ एक गड़बड़ हो गई, तो क्या हुआ बेटा, मैंने कहा माँ मेरे तो पैसे गिर गए कहीं, मेरी माँ बोली पैसे गिर गए, बोले पैसे कौन से गिर गए, मैंने कहा जो मैं लेके आया था जेब में, और बोले तेरे पास तो घने ही सारे थे, मैंने कहा हाँ घने ही सारे थे, काफी सारे थे, मैं मतलब मीनिंग ये था, राजेश बैल जी मेरी मदर पूछती है कितने थे, मैंने कहा आपको पता तो है मैं गिन के नहीं रखता, मैंने कहा पर इतने सारे थे, और 2-2 हजार के नोट थे और इतने सारे थे, बस मेरी माँ को बढ़िया वाली टेंशन हो गई, ठीक है, मेरी मदर टेंशन ले रही है यार ये तो काम खराब हो गया, 10-12 गाड़ियां बकी मेरे को वहीं पे, ध्यान नहीं रखता, ये नहीं रखता, वो नहीं रखता, ठीक है, आते रहे आते रहे आते रहे। सुरेंद्र जी अल्टीमेटली घर पहुंचते पहुंचते मैंने बता दिया, मैंने कहा पैसे मिल गए हैं, मैं उसमें 4 गाड़ियां 5 गाड़ियां और दी मेरे को, मेरा बीपी बढ़ा दिया, ये है वो है, एटलीस्ट एक आदमी को ही समस्या हुई, बाकियों को नहीं हुई, बट ये टेम्परेरी इलाज था, ठीक है राजेश जी। तो बेस्ट इलाज होता है इसमें सुराई में देसी खांड भर के शमशान के साथ वाली दीवार में दबा दो, हाथ में कड़ा पहना दो चांदी का, ठीक है, पैरों में पायल पहना दो, ऐसी ऐसी चीजें हैं जो आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे उपाय के टाइम पे, तो आप लोग कर पाएंगे, ये बढ़िया रेमेडीज होती हैं, मंगल बद, मंगल बद इस तरीके से आदमी को परेशान करता है, जीवन में खुश नहीं रहने देता। अगर मंगल बद किसी का आ भी रहा हो तो इनमें से इस तरीके की रेमेडीज करी जा सकती हैं कुंडली में, ठीक है, होगा भी इतना तो फेस रीड मैं भी कर सकता हूँ क्लास में जो लोग बैठे हैं ना, ऐसा नहीं है कि कैमरे पे मैं रीड नहीं कर पाता हूँ, कैमरे पे भी रीड कर पाते हैं। बुरी आत्माएं मंगलवध का प्रतीक होती है, भूत प्रेत जो बताते हैं मंगलवध का प्रतीक होते हैं, ठीक है, जल्लाद, जल्लाद का काम भी थोड़ा सा होता है, मुश्किल होता है, और जल्लाद मंगलवध का प्रतीक होता है, कसाई सींग वाला हिरण, नीचे वाला होठ, ठीक है, ऊंट, नासूर बुरी नजर,
ईर्ष्या, मिट्टी की भट्टी जिसे तंदूर बोलते हैं, ठीक है। ये मंगल पद की ऐसी वस्तु है केशव जी जो ऑलमोस्ट सबके घर में मिलती है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे तंदूर तो हमारे घर में नहीं है, तंदूर आपके घर में नहीं है, आपके घर में माइक्रोवेव जरूर होगा, वो भी मंगल पद है, ठीक है जी। संजीव जी बीच में नहीं, लिख के रखिए अपना क्वेश्चन, वो भी मंगल पद का प्रतीक है। कसाई, झगड़ालू नेचर, गुड़ की रेवड़ियां, फास्ट फूड, एक होती है पत्थर फाड़ नजर, कुछ लोग होते हैं नजर लगाने की इतनी तगड़ी होती है, वो आगे ग्रहों का कॉम्बिनेशन हम देखेंगे तो वो मंगल पद की निशानी होती है। मंगल जो नेक होता है, अभी हमने जो पढ़ा, उस मंगल नेक की एक खास बात होती है, उसके सामने केतु बहुत ज्यादा पैर नहीं उठाता, केतु उसके साथ डरता है उससे। उस मंगल के स्वामी हनुमान जी, उस मंगल के सामने राहु कंट्रोल में रहता है ऑलमोस्ट मोर देन 95% केसेस में, 4-5% राहु का कोई जुगाड़ नहीं, कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। जो एस्ट्रोलॉजर कहता है कि मैं 100% रहता हूँ, वो झूठ बोलता है। राहु 95% से अभाव तक हम भी कंट्रोल करते हैं, कई बार राहु बहुत परेशान कर रहा होता है, वो धीरे धीरे कंट्रोल में आता है। राहु इज जस्ट लाइक एलिफेंट, मैंने भेजी थी ना आपको हाथी वाली शॉर्ट्स, हम चलाएंगे शायद राहु पे, आज पहुंच गए तो बुध पे पहुंच गए तो बुध वाला चलाएंगे, बुध वाला कल भेजा था अंडे वाला, दैट इज बुध, ठीक है। भाइयों से नहीं बनती मेरी, भाइयों से खराब है, रिश्तेदार नहीं आते घर में, रिश्तेदारों से नहीं बनती, मंगल खराब की निशानी है। मेरे पड़ोसी मुझे नहीं जीने देते, पड़ोसियों से झगड़ा रहता है, ठीक है। ये कहने की बात होती है सुरेंद्र जी के, भाई बदला जा रहा है कि जी इंडिया में तो चलो पड़ोस में झगड़े होते ही रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक बंदे की मंगल की स्थिति इतनी खराब है, वो बंदा मेरे को ये कहता है मैं कनाडा में जाके बस गया रेणुका जी, कह रहा है मेरे पड़ोस में ना एक ब्लैक आके रह गया, वहाँ ब्लैक बोलते हैं, जो एक काले जाते हैं वो ऐसे बोलते, बोले एक ब्लैक आके रहने लग गया, बोले उसने परेशान कर रखा है यार बहुत ज्यादा, तो भाई बहुत दुखी करता, पता नहीं कुछ ना कुछ उल्टा सीधे कहीं कुछ ना कुछ करके, कभी पुलिस को बुला लेता है, कभी किसी को बुला लेता है, बोलो बहुत खून पीता है, बोलो बस चुपके ही रहते हैं हम तो उससे, ठीक है। मित्रों का सुख खराब होना, फ्रेंड सर्कल से दोस्त होना, फ्रेंड सर्कल नहीं होना बहुत बड़ा, एक फ्रेंड सर्कल होना बहुत लंबी, मैंने बताया था ना शादी वाला, हो शादी में देखना कि शादी में बारात भी खूब लंबी चौड़ी और दोस्त भी दोस्त खड़े हैं, मतलब हजारों की संख्या में, ठीक है। वो मंगल अच्छे की निशानी होता है। बच्चे का जन्म लेके मर जाना, नवजात शिशु का जन्म लेके मर जाना, ठीक है जी। खून की कमी होना, ये होना हीमोग्लोबिन वगैरह कम होना, बीमारी होना कोई खून की, डायबिटीज एंड ब्लड प्रेशर वगैरह, इनसे बच के रहना, ये होना अपने आप में मंगल खराब की निशानी है। गुस्सा दिखाना, बार बार आना, गुस्सा दिखाना, ठीक है। लड़ाई झगड़े अधिक होना, बार बार झगड़ा हो जाना कहीं भी किसी से भी होना, लड़ाई झगड़ा होना, एक आंख काणी होना या एक आंख का बहुत ज्यादा मतलब आई साइड वीक हो जाना, संतान उत्पन्न करने के योग्य ना होना। अब जैसे संतान उत्पन्न करने के योग्य ना होना ना, ये भावना जैसे कोई पूछ सकती है क्वेश्चन के, भाई ये हर बार आ रहा है सर, ये आगे कई प्लैनेट्स में आए, क्योंकि इनमें कई प्लैनेट्स की में रिलेटेड रहता है। मेरे सारे बच्चे जैसे हो आप इस टाइम पे, है ना, इरेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर एंड इरेस्पेक्टिव ऑफ एज। बेसिकली जो मंगल होता है वो जोश को दर्शाता है, तो बंदे में वो जोश की कमी होगी तो वो संतान उत्पन्न करने योग्य नहीं होगा। बुध में भी आएगा, बुध में भी यही दिक्कत होती है, बुध कमजोर होता है तो नसें कमजोर हो जाती हैं। शुक्र वगैरह में होता है तो जो अपना स्पर्म काउंट या एग काउंट होता है वो कम हो जाता है, उसमें भी ये चीजें आएंगी खराब होने, तो उनको इस तरीके से आगे चल के डिटेल में होंगे और पढ़ते जाएंगे तो जो चीजें क्लियर होंगी। अब जैसे हार्ट में प्रॉब्लम होती है, जी हार्ट पेशेंट हो गए, हार्ट की प्रॉब्लम आती है, इट इज बिकॉज ऑफ राहु देवता, वो मेन रोल प्ले करते हैं। अब हार्ट हमारा होता है सूर्य, राहु देवता उस पर अटैक करते हैं तो हो जाते हैं, बट हार्ट अटैक जब भी आता है राकेश जी, कहीं ना कहीं ऐसा होता है ना हमारी नसें भी ब्लॉक होती हैं, या बॉडी में कोई और नस ब्लॉक हो गई, हमारी नसें बुध हैं, बुध में पड़ेंगी तो सारे इंटर रिलेटेड तो रहते ही है ना।